ये रहा मेरा टॉय, ये है मेरा जीसीबी जो कि मैं बचपन में। है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ ड्यूरिंग क्वारंटाइन, और अभी मैं जस्ट सोच रहा था, देख रहा था तो मेरे कुछ ओल्ड मेमोरीज और कुछ और मेरे ओल्ड गैजेट्स मुझे मिले हैं और टॉयस भी मिले हैं जब मैं छोटा था तब यूज़ किया, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी सारे नए मोबाइल्स हैं, जैसे कि कीपैड्स वाले मोबाइल है, टच स्क्रीन है, उसमें से कई मोबाइल ऐसे हैं जिसे मैंने सिर्फ कम टाइम, मतलब एक दो महीने ही यूज़ किया है। तो मैंने सोचा कि यह लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ मोबाइल टूर ही हम कर लें अच्छा सा। तो चलिए करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कुछ ओल्ड मोबाइल्स, बहुत पुराने जो कि आप सबने शायद यूज़ किए ही होंगे और जो मैं टॉयस यूज़ करता था, खास करके जेसीबी मेरे पास है वो बहुत अच्छा है, और बैट वगैरह कुछ टॉयस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाय द वे ये मैंने टी शर्ट आज पहनी है मिनियंस वाली, कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फोन। तो ये रहे हमारे सारे फ़ोन, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सैमसंग का ये वाला मोबाइल, हालांकि ये मैंने यूज़ नहीं किया है, ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने आपको दिखा दिया है। आप सबने यूज़ किया ही होगा सैमसंग का कीपैड फ़ोन, हालांकि ये अब भी चलता है लेकिन इसे कोई यूज़ नहीं करता है, ये फिट एंड फाइन है, चार्ज करे तो स्टार्ट हो जाएगा। सैमसंग का है, काफ़ी सारा अच्छा है, अभी भी टका हुआ है, कितनी बार गिरा है आप देख सकते हो, मोबाइल बहुत गिरा है ऊपर से नीचे से, फिर भी इसको कुछ डैमेज नहीं हुआ है, बॉडी भी अच्छी है। तो सैमसंग का मोबाइल इज़ वेरी गुड फॉर यूज़। चलो इसको रखते हैं साइड में, करते हैं दूसरा। ये मोबाइल मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोबाइल है, ये मोबाइल सैमसंग का जब लेटेस्ट जब लॉन्च हुआ था तभी मैंने परचेस किया था, मैंने थोड़ा ही यूज़ किया था, मेरे ब्रदर ने यूज़ किया था। ये सैमसंग का मोबाइल है, इसकी मतलब डिज़ाइन एकदम कूल है, एकदम मस्त है, इसकी कंडीशन आप देख लो, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसकी बैटरी भी मैंने यहाँ पे जोड़ के रखी है। तो काफ़ी सारा अच्छा मोबाइल है, यूज़ करके अभी भी मैंने इसको संभाल के रखा है, आपको मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ कैसी कंडीशन है पीछे। तो देखो बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन है, यहाँ पे सिम कार्ड का है पोर्ट और ये बैटरी है, बैटरी तो मतलब पूरी एकदम क्लीन हो गई है यहाँ पे। तो यस, दिस इज़ क्वाइट गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे मैंने बैटरी निकाली है, तो यहाँ पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग और वो सब दिखाई देगा। यस यस, ये काफ़ी अच्छा एक है, मेरे को वो भी अच्छा लगा। तो इसको हम रखते हैं साइड में, ये मोबाइल भी बहुत ही अच्छा है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब लेते हैं दूसरा, क्या बात है, सैमसंग के बहुत ज़्यादा है। ये मोबाइल भी क्वाइट इजी था, इसमें तो मैंने सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ बहुत कम किया है। तो ये मोबाइल इज़ वेरी गुड मोबाइल, और ये भी सैमसंग का ही है, लेकिन यहाँ पे जो बटन्स देख रहे हो, बटन्स की हालत भाई साहब बहुत ही ख़राब हो गई है, तो ये तो नहीं चलेगा। और दूसरा, या क्या बात है, हैट्रिक हो गए, उसके ऊपर एक और सैमसंग, ये तो चल रहा है बिल्कुल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें टच स्क्रीन का प्रॉब्लम है, बाकी मोबाइल इज़ वेरी गुड, ऑल आर वेरी गुड मोबाइल, अच्छे से चल रहा है। और अब ये है Redmi Note 4, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, ये मेरा मोबाइल है, मैं यूज़ करता था लेकिन अब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मोबाइल एकदम अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बैटरी डलवानी है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी के साथ साथ मोबाइल भी एकदम फिट एंड फाइन है। ये भी मैं यूज़ कर रहा था मोबाइल MI Note 4 जब मैं नया निकला था तब लिया था, और अब मुझे बहुत दुख होता है MI का ये मोबाइल मैंने सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 25 दिन यूज़ किया होगा, और आप देख सकते हो एकदम नया मोबाइल है और मैंने इसे एक साल से यूज़ नहीं किया है MI Note 4। तो ये मैं आपको खोल के भी बता देता हूँ, तो आप ये देख सकते हो मेरा MI का मोबाइल है और एकदम नया है, आप देख सकते हो पूरा।
तो ये मोबाइल में एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैंने लिया था तो आई थिंक बाई मिस्टेक ये मेरे से पानी में गिर गया था। तो जब मैंने सर्विस सेंटर में दिया तो उसने बोला कि आपको ये मतलब वाटर डैमेज है, तो आपको मतलब रिपेयर करवाना पड़ेगा, मदरबोर्ड डलवाना पड़ेगा। तो उसका कॉस्ट अप्रोक्स 12,000 है, तो उससे अच्छा बेटर ये 12,000 में अभी अच्छा सा मोबाइल मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी रही नहीं दे रहे, तो ये मोबाइल ऐसे ही पड़ा है। आप सब सजेस्ट करो अब इसका क्या करना चाहिए। बाकी पीस एकदम मस्त है, बहुत ही कम यूज़ किया हुआ है आप देख सकते हो, एंड दिस इज़ क्वाइट गुड। और मैं इससे सोच ही रहा था इसको रिपेयर करके मैं सेल कर दूँगा। और अभी ये मोबाइल है पड़ा था मेरे पास, और भाई साहब ये मोबाइल तो मतलब क्या बात करें, मैंने मेरे फ्रेंड के पास लिया, फ्रेंड के पास से लिया था, लेकिन ये भी टूट गया था। आई थिंक दूसरे माल से तीसरे माल से गिरा था, तो इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है देख सकते हो। तो इसे रहने देते हैं, आखिर भी बहुत काम का यूज़ नहीं है। तो ये था मेरा मोबाइल का टूर, आप सबको अच्छा लगा होगा मोबाइल में ये सब। मोबाइल आपको आई होप अच्छा लगा होगा। तो मोबाइल तो आपने देख लिए होंगे, तो चलिए अब आपको थोड़ा सा टॉयज का भी दिखा देता हूँ अच्छा सा। जेसी भी एक अच्छा मेरा फेवरेट, तो चलिए। तो ये मैं खाने के लिए लाया था, ममरा कहते हैं हमारे यहाँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ रिव्यू करके। तो भाई साहब ये देखो, ये रहा मेरा टॉय, ये है मेरा जेसीबी जो कि मैं बचपन में यूज़ करता था, यूज़ तो नहीं लेकिन खेलता था, बहुत ही मस्त है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँ। ये है मतलब पूरा जेसीबी, इसमें से काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट निकल गए हैं। तो यहाँ पे जो था वहाँ पे वो जो आता है आगे का पार्ट, वो मतलब स्टंडर वगैरह आता है पावड़ी, वो था। और पीछे की तरफ जो आता है वो कुल्हाड़ी, वो भी थे यहाँ पे, मतलब पूरा हिस्सा था यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी सारा पूरा है, इसको हालांकि मेरे भाई ने ही बनाया था घर पे। और ये है पूरी मतलब ब्रेक सिस्टम थी, यहाँ से पूरी ब्रेक लगती थी, और नहीं सॉरी यहाँ से लगता था गियर था है, और ये था ब्रेक सिस्टम था। और यहाँ पे था हमारा स्टेरिंग तो टूट गया है, और ये अभी मैंने ही संभाल के रखा है क्योंकि बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं इसे मैं फ्यूचर में भी कुछ मॉडिफाई करूँगा अच्छा, तो ये भी कुछ अच्छा अट्रैक्टिव हो जाएगा शोकेस के लिए। तो आई होप ये भी आपको अच्छा लगा होगा। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा बैट पड़ा है, आई थिंक मैं 6th स्टैंडर्ड में था तब से मैंने ये लिया था, और अभी भी है मेरे पास। तो ये आपको दिखा देता हूँ, और ये देख सकते हो किंगफिशर का, ये मैंने हाथ में लिया। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो तीरा, तो वहाँ पे मैंने सीजन बॉल से हिट किया था, तो उसी की वजह से ये हुआ है, मुझे अभी भी याद है। सीजन बॉल से सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से खेला था, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सीजन बॉल से हिट किया था, तो ये हो गया है। लेकिन काफ़ी अच्छा सा बैट है, अच्छा टिक रहा है, चल रहा है क्वारंटाइन में। तो ये सब मेरे पुराने वेपन है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी थोड़ा नाश्ता हो जाए, इसको भी खाते हैं अब, आपको भी अच्छा लगा होगा। आई होप यू लाइक माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तब तक वॉच अवर वीडियो।